नो क्या कह रही है? खाना चाहिए इसे। शीरो नो क्या चाहिए? ऐसा खाना लेके आओ। आपको भी खाने दोगे नहीं खाओगे? भाऊ भाऊ आए, चद्दर नहीं खाया जाता बेटा, चद्दर नहीं खाते। शीरू दे दो, दे दो थोड़ा सा दे दो। हाँ उसे पता ही नहीं है ना, वो तुम्हारा भी खाना खाएगी, भैया का भी खाएगी और अपना भी खाएगी। अब नहीं देना, इसको सबका चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए बहुत सारे काम हैं गाइस, देर से सोकर जगी थी और आजकल ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही, कल तो बारिश भी हो गई थी और बारिश की वजह से बस ठंडियाँ बढ़ ही गई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं देर से सोकर जगी हूँ। और मुझे बहुत सारा काम करना है, क्लब भी जाना है, 3 बजे मेरा क्लब है, तो मतलब 1 घंटा लगेगा मुझे तैयार होने में। और आज मेरा प्रोग्राम भी है क्लब में, तो प्रोग्राम के लिए स्पेशली तैयार होना है। इसके पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा, वो ये जाने क्या क्या काम। झाड़ू पोछा तो खैर काम वाली करके चली गई है और बर्तन भी उसने धो दिए, फिर भी बहुत सारे काम होते हैं नहाने धोने के और खाना बनाने के। आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा। फैल रहे हैं हम, ये देखो समटी बैठी है, इसको देखो कितनी ठंडी लग रही है। क्यों खरखर कर रही हो? हाँ बड़ी शांति से बैठी हो, ठंडी लग रही है, खेल नहीं पा रही हो? खेलना मना है, सो जाओ शांति से। नहीं खेलना मना है, आज ठंडी है। ब्लोवर के सामने बैठी रहे तो कितने अच्छे से ब्लोवर सेक रही, देखो ब्लोवर के सामने उसको ठंडा नहीं गर्म लग रहा है। जाओ ठीक है सो जाओ। गाइस देखिए देखिए गाइस, ये है बाहर का मौसम, अभी सुबह के 2 बजने वाले हैं और 2 बजे ये वाला मौसम देखिए कितनी ठंड है, कहीं भी सूरज नहीं दिख रहा है, एक भी सूरज नहीं है। और उसमें मेरा क्लब भी है, तो गाइस कल तो प्रैक्टिस थी क्लब में और मुझे जाना पड़ा और बारिश भी हो रही थी तो मैं रेन कोट पहन कर गई। क्या करें, काम तो काम। तो अभी सब्जी रेडी हो गई है और ये मैं अब रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि आज क्लब है और इस वजह से मैंने शॉर्टेज ही में खाना बनाया है, दाल चावल नहीं बनाया, ठंडियाँ हैं, वैसे भी ठंडियों में कौन दाल चावल खाता है, तो मैं रोटी सब्जी ही बना ले रही हूँ क्योंकि जाना है, कम से कम काम फैलाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो ये देखिए गाइज हमारा खाना बन गया है, अब मैंने ये जो है सब्जी बना ली और इधर मैं आटा भी सान लिया है और मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। रोटियाँ बना लेती हूँ उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ क्लब जाने की। आओ खाना खाते हैं, आओ उठा के चलो उधर आओ, ऐसे लग रहा है उसने सोचा मेरे पास खाना है, हम नहीं लिए हैं खाना। आओ भैया के पास है, भैया के पास जो भैया के पास है वो देखो, भैया दे रहा इधर। स्ट्रेट खड़ा होती है, अरे परेशान कर। जाओ अब खाओ नहीं तो बार बार मांगेगी। तुम्हारा खाना आ रहा है, अभी किचन में तैयार हो रहा है, ठीक है बैठ जाओ, अभी शांति से बैठ जाओ, दे देना थोड़ी रोटी और हम बना रहे हैं, ठीक है अभी बना रहे हैं, दे देना उसको, बार बार मांगने आई, सोच रही कि हमारे पास है, देखो हमारे पास रोटी नहीं है। हाँ हमारे पास रोटी नहीं है, बाय जा रहे, ठीक है आलू थोड़ा थोड़ा दे देना, जाओ भैया से ले लो, खाओ खाना, जाओ ले लो खाना। हाँ हम और ला रहे बना के, ये उसका खाना तैयार हो रहा है। क्या डालोगी इसमें, दही जलाना पड़ेगा क्या? हाँ हमने जमाया है थोड़ा सा, जाओ ले आओ दही। इधर मेरी रोटी वो हो रही है, रोटी तो कम से कम सेक लें।
हाँ ठीक है, पहले पहले वाला दही खत्म कर लो फिर दूसरा वाला लेना। दही निकाल रही, दही भी झपट्टा मार रही है कि हमें भी दे दो दही। दही नहीं देना, ठंडी है। क्या हुआ? दही नहीं चाहिए, गर्म पानी है ना इसमें डाल दोगी तो ठीक रहेगा। डालो गरम में, मिक्स करो, मिला लो, गरम पानी है उसमें मिक्स हो जाएगा। चलो तुम्हारा खाना तैयार हो रहा है, स्पेशल खाना। बस करो, ज़्यादा हो रहा है, ख़राब हो गया। ठीक है, अब डब्बा दे दो उसको चाटने के लिए थोड़ा सा। हाँ गरम पानी डाल दो, चाट लेगी। आलू को रोटी देके आ रहे हैं, चलो उसे दे दो, खा ले इसको। दही मांग रही है, मांग रही है भैया से रोटी ले। ये नहीं, उसमें से दो पूरी नहीं थी ना इतनी बड़ी सी, थोड़ी सी दे दो, उसका खाना तैयार हो गया है। जाओ देखो, दीदी बुला रही है। दही, इसको दही बहुत पसंद है। हाय रे, ठंडी ना लगे कहीं, छींकना फिर धर धर के। दही इसको पसंद आ रहा है, डॉक्टर ने बोला था ना दही खाने के लिए। अरे रुको, डब्बा भी खाना है, इसे ले तो लो पहले, नहीं आके ले लो। उसको स्वाद लग गया है। हाँ उसको दही का स्वाद लग गया ना, अब देखना तो आप पीछे पीछे जाएगी। रहन दो, ले लो डब्बा, उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं है, है क्या? चाटने के लिए। चल चाट लो। No. क्या कह रही है? खाना चाहिए इसे। शीरो नो। क्या चाहिए? ऐसा खाना लेके आओ। आपको भी खाने दोगे नहीं दोगे? भाऊ भाऊ, आए चद्दर नहीं खाया जाता बेटा, चद्दर नहीं खाते। शीरो दे दो, दे दो थोड़ा सा दे दो। तो अपना खाना खाएगी, इतना खाना खवा दूंगी तो। हाँ उसे पता ही नहीं है ना, वो तुम्हारा भी खाना खाएगी, भैया का भी खाएगी और अपना भी खाएगी। अब नहीं देना, इसको सबका चाहिए। फिर से जाएगी, छोड़ दो तुम दो, देखो फिर से जाएगी उसके पास, उसे नहीं आना तुम्हारे पास। देखो फिर से उसका यही काम रहता है। ए लो, खड़ी हो गई। ये उससे भैया किसे रो, खाने ही मांगना है, रोटी ही मांगना है, थाली बचाओ तो। ठीक है, आ रहा है शैतान। ए शैतान, सर्दी लग गई, और दही खाओ और खपाओ दही उसे। खाना चाहिए, नया खाना दो लाके। खाना मांग रहा है, खाना लाओ यहाँ पे जहाँ बंधा है यहाँ। क्यों क्यों करेगी? अभी नहीं करेगी, खाना खाने के बाद तो करेगी। हाँ तो लेके जाना बाद में, और आगे रखो उतना दूर से। खा लो खाना, गरम गरम है ना। उसको दही का स्वाद बहुत पसंद है। उसको पसंद है, दूध है वो। हाँ और दही भी दे सकती है उसके लिए। नहीं दूध सही नहीं है पेट के लिए, पेट के लिए दही सही है। ऐसा कौन बोला? उसने बोला नहीं था डॉक्टर ने? ऐसा कोई नहीं है, दे सकते। तो गाइस ये देखिए, इधर रोटियां बन गई हैं और ये मेरी आखिरी रोटी है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से,
फटाफट तैयार होनी क्योंकि घड़ी में 2 बज चुके हैं और उसके बाद मुझे रेडी होना है क्लब के लिए। बर्तन लगा देते हैं अलमारी में, वो आएगी ले जाएगी तो अपना धो लेगी बर्तन, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा लगाने का, इसलिए हम अभी बर्तन लगा देते हैं सारे। सो गाइस मैं तैयार हो गई और अब मैं क्लब चलती हूँ, मैं आपको क्लब में मिलूँगी। ये मेरा क्लब है। नमस्ते भाभी, किसका डेमो है आज? आज पूनम भाभी का। सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलिए तो रेडी हो गए। सेंटा तो सबसे अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रही है। सब रेडी हो गए ना? गाइज मैं क्लब से आ चुकी हूँ और मैंने क्लब में बहुत इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया, हाउजी वगैरह भी हुआ वहाँ पर और इंजॉय तो बहुत किया। नए साल की पार्टी थी, गिफ्ट भी मिला जो कि ये है गिफ्ट। ये देखिए खाना आ गया है, आज खाने में तहरी बनी है जो कि नेहा ने बनाई है, शाम का खाना। गाइज़ मैं क्लब गई थी, क्लब में बहुत सारा प्रोग्राम था और बहुत सारे क्रिसमस को सेलिब्रेट किया गया, नए साल को सेलिब्रेट किया गया और मैं बहुत थक गई हूँ। अभी नेहा ने किसी तरह से मुझे तहरी बना के दी थी और मैंने खा लिया है और अब मुझे बहुत नींद आ रही है, नींद भी आ रही है और थकाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं टहलने नहीं जा रही हूँ। और अब यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तुमने क्या किया? कुछ क्यों नीचे नहीं बैठा जा रहा है तुमसे? आलोक वापस रखो नीचे, उसे वापस रखो, ये सताई नहीं चलेगी इनकी। चलो वहाँ बैठो, वहाँ शीरू पिटाई कर दे, भैया पढ़ने जा रहा है, उसकी आदत खराब हुई जा रही है। करो, वो तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं देगी, वो जाने भी नहीं देगी। देखो उसे यहाँ, अब देख लो, अब तो तुम पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, उठ भी नहीं पा रहे हो। जा रहे उसको लेके, उसको लगता है बस यही जगह है हमारी। चलो आजा।